चिंटू तुम्हें पता है ना क्लास में सभी बच्चे टाइम से आते हैं, फिर तुम इतना लेट कैसे हुए? मैम प्लीज मुझे मारना मत, मैं आगे से कभी लेट नहीं आऊंगा, प्लीज मैडम। चिंटू की बात सुनते ही मधुलिका मैडम को बहुत गुस्सा आया और वो फिर से डायन में बदल गई। तुमने मेरी क्लास में लेट आने की जरूरत कैसे की? उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। चलो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। चिंटू जैसे ही अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ, वैसे ही डायन छड़ी लेकर उसके टांगों में मारने लगी। चिंटू को बुरी तरह पिटते देख निशा से देखा नहीं गया और वो बोली, अरे मैम आप चिंटू को कितना पीटोगी, प्लीज मत मारो चिंटू को। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे पीटने से मना करेगी? रुक तुझे अभी बताती हूँ। इतना बोलकर डायन मधुलिका निशा को भी छड़ी से बुरी तरह मारने लगी। डायन टीचर की क्लास। अच्छा तो तुम ही हो न्यू स्टूडेंट निशा, तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि तुम बहुत शरारती लड़की हो, इसीलिए तुम्हारा ज्यादा ध्यान रखा जाए, मगर तुम तो बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की हो। अब आप ही बताइए मैडम, शरारते बच्चे नहीं करेंगे तो टीचर करेंगी? ऐसा बोलकर निशा चिंटू नाम के लड़के के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गई। फिर निशा ने चुपके से अपने बैग से नकली छिपकली निकालकर चिंटू के बैग के ऊपर रख दिया। छिपकली को देखते ही चिंटू जोर से चिल्ला उठा। तभी मधुलिका मैडम ने गुस्से से चिंटू को अपने पास बुलाया। चिंटू ये क्या हरकत है, तुम्हें पता है ना मुझे शोर बिल्कुल नहीं पसंद। तभी चिंटू कांपते हुए बोला, मैडम मुझसे गलती हो गई, अब से मैं क्लास में बिल्कुल भी शोर नहीं करूंगा, बस आप मुझे कुछ मत करना। ठीक है इस बार तो तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन अब की बार शोर किया तो जानते हो ना तुम्हारा क्या हाल होगा। चिंटू डरते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। चिंटू को ऐसा डरा हुआ देखकर निशा जोर जोर से हंसने लगी। निशा को ऐसे हंसते हुए देख मधुलिका मैडम को बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा था ना मुझे मेरी क्लास में शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा बोलकर मधुलिका गुस्से में पूरी तरह लाल हो गई और कुछ ही देर में मधुलिका एक डायन में बदल गई। क्लास टीचर को डायन के रूप में बदला दे निशा के होश उड़ गए। अब तो तू गई काम से, क्योंकि मेरी क्लास में शैतानी या शोर करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। मधुलिका मैडम आप इतनी डरावनी क्यों लग रही हो, आप मुझे डराने के लिए ऐसा कर रही हो ना? मैं कोई मधुलिका मैडम नहीं हूँ और क्लास में शोर करने की सजा तो तुझे भुगतनी ही होगी। ये कहते हुए डायन बनी मधुलिका ने निशा के बाल पकड़ लिए। आह मेरे बाल छोड़ दो, आह मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी चिंटू धीरे से निशा से बोला, निशा जल्दी से माफ़ी मांग लो नहीं तो ये तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगी। निशा ने जैसे ही डायन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी तभी डायन हंसते हुए बोली, तुझे ऐसे माफ़ी मांगते हुए देख मुझे बहुत मजा आया, पर एक बात ध्यान रखना, अगर तूने किसी को भी बताया कि मैं एक डायन हूँ तो तू जिंदा नहीं बचेगी। निशा जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ गई कि तभी डायन भी फिर से मधुलिका मैडम के रूप में बदल गई। अरे निशा ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ और तुम इतना डरी हुई क्यों हो, किसी ने तुम्हें परेशान किया क्या? कुछ नहीं मैडम मैं ठीक हूँ। इतने में लंच ब्रेक की घंटी बजी और मधुलिका मैडम क्लास से बाहर चली गई। तभी निशा चिंटू से बोली, हे भगवान मधुलिका मैडम एक डायन है, देखो तो क्या हालत कर दी मेरे बालों की। अरे जरा धीरे बोलो, अगर मधुलिका मैडम ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। वैसे तो मधुलिका मैडम बहुत अच्छी हैं, पर जब कोई बच्चा उनकी बात नहीं मानता और क्लास में शोर या शैतानी करता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा आने पर एक डायन के रूप में बदल जाती हैं और फिर शैतानी करने वाले बच्चों को बहुत मारती हैं। फिर स्कूल की छुट्टी के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। निशा भी घर जाते ही अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गई। ना उसने खाना खाया ना ही अपनी माँ मीनाक्षी से अपने नए स्कूल के बारे में कुछ बात बताया। मीनाक्षी ने देखा निशा जब से स्कूल से आई है तब से कुछ डरी डरी और चुप चुप सी है। निशा बेटा कैसा रहा स्कूल में पहला दिन, स्कूल में मजा तो आया ना? निशा को डायन की बात याद आ गई, इसलिए वो अपनी माँ को कुछ नहीं बताती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन चिंटू स्कूल आने में लेट हो गया। जब चिंटू क्लास में दाखिल हुआ तब मधुलिका मैडम गुस्से से बोली, चिंटू तुम्हें पता है ना क्लास में सभी बच्चे टाइम से आते हैं, फिर तुम इतना लेट कैसे हुए?
मैम प्लीज मुझे मारना मत, मैं आगे से कभी लेट नहीं आऊंगा, प्लीज मैडम। चिंटू की बात सुनते ही मधुलिका मैडम को बहुत गुस्सा आया और वो फिर से डायन में बदल गई। तुमने मेरी क्लास में लेट आने की जरूरत कैसे की? उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। चलो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। चिंटू जैसे ही अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ, वैसे ही डायन छड़ी लेकर उसके टांगों में मारने लगी। चिंटू को बुरी तरह पिटते देख निशा से देखा नहीं गया और वो बोली, अरे मैम आप चिंटू को कितना पीटोगी, प्लीज मत मारो चिंटू को। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे पीटने से मना करेगी? रुक तुझे अभी बताती हूँ। इतना बोलकर डायन मधुलिका निशा को भी छड़ी से बुरी तरह मारने लगी। स्कूल की छुट्टी के बाद निशा घर जाते ही रोते हुए अपनी माँ मीनाक्षी से लिपट कर बोली, माँ मुझे स्कूल नहीं जाना, प्लीज मम्मी मुझे उस डायन की क्लास में नहीं जाना, वो डायन टीचर बच्चों को बहुत मारती है। निशा तुम फिर से स्कूल ना जाने का बहाना बनाने लगी, जरूर तुमने क्लास में शैतानी की होगी जिसकी वजह से मैम ने तुम्हारी पिटाई की होगी, है ना? पर मैं सच कह रही हूँ मम्मी, मेरी बात का विश्वास करो। इतने में निशा के पिता प्रकाश ऑफिस से घर लौटा, तब मीनाक्षी बोली, आप भी सुन लो अपनी लाडली बेटी की मनगढ़ंत कहानियाँ, कहती है कि इसकी क्लास टीचर डायन है। ओ बेटी निशा, अगर आपकी टीचर एक डायन है तो ये बात आपने हमें पहले ही दिन क्यों नहीं बताई? कहीं स्कूल ना जाने के लिए तुम ये सब कहानी तो नहीं बना रही? मैम ने कहा था कि अगर ये बात किसी को भी बताई तो वो उसे मार डालेगी, इस डर से कोई भी बच्चा ये बात घर जाकर नहीं बताता। पर आज उस डायन ने मुझे बहुत मारा, इसलिए मैंने आज आपको ये बात बता दी। अगले दिन स्कूल जाकर मीनाक्षी और प्रकाश ने निशा की कही बात जाकर स्कूल की प्रिंसिपल मैडम को बताया, जिसे सुन प्रिंसिपल मैडम बोली, हाँ याद आया, कुछ समय पहले एक बच्चे ने मुझे मधुलिका मैडम की डायन बनने वाली बात बताई थी, पर दो दिन बाद ही अचानक उस बच्चे की मौत हो गई, उसके बाद मैंने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैडम इसका मतलब मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही थी, इससे पहले वो डायन मेरी बेटी को भी मार डाले हमें कुछ करना होगा। मैं अपनी बेटी निशा को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं एक बहुत पहुँचे हुए बाबा को जानती हूँ जो यही स्कूल के पीछे एक मंदिर में रहते हैं, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ। मीनाक्षी तुरंत जाकर बाबा को अपने साथ स्कूल में ले आई, फिर वो सभी मधुलिका मैडम की क्लास की खिड़की से अंदर झांक कर देखने लगे। उन सब ने देखा क्लास में एक डायन है जो बच्चों को बुरी तरह डांट रही थी। तुम सब बच्चों को पता है ना, ये किसी मधुलिका मैम की नहीं बल्कि डायन की क्लास है, और मेरी क्लास में शोर मचाना और शैतानी करना सख्त मना है। इतने में बाबा क्लास में दाखिल हुआ। ये बाबा मेरी क्लास में क्या कर रहा है? इससे पहले कि डायन कुछ समझ पाती, बाबा ने अपने झोले में से भभूत निकाला और डायन के ऊपर फेंक कर मंत्र पढ़ने लगे। बाबा यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, अभी के अभी मेरी क्लास से बाहर निकल। इस डायन को देखते ही मुझे पता चल गया है कि इसने मधुलिका मैडम के अंदर कब्जा कर रखा है। हा 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 हा। लेकिन अब ना मधुलिका मैडम बचेगी और ना मेरी क्लास के बच्चे, मैं सभी को मार डालूंगी। तभी बाबा ने अपने झोले में से एक खाली बोतल निकालकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। तुझे मधुलिका मैडम का शरीर छोड़ना होगा और इस बोतल में आना होगा, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। इतने में डायन ने गुस्से में आकर निशा का गला पकड़ लिया, लेकिन बाबा ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। मंत्रों की आवाज से डायन की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और डायन मधुलिका के शरीर को छोड़कर बोतल के अंदर चली गई। बाबा ने जल्दी से बोतल को बंद कर दिया, इस तरह मधुलिका को डायन से मुक्ति मिल गई। सबने बाबा का धन्यवाद किया। फिर उस दिन के बाद निशा ने कभी स्कूल जाने से मना नहीं किया और खूब मन लगाकर पढ़ने लगी। बहू के दहेज में आया नौकर। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे, कैसे कैसो को दिया है, ऐसे वैसो को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे।
सुषमा जी बड़े आराम से सब्जी काटते हुए सोफे पर बैठी गाना गा रही थी कि तभी उनके घर उनके खानदानी पंडित आकर सुषमा से कहते हैं, अरे सुषमा बहन जी, राम राम, बड़ी खुश लग रही हो। अरे पंडित जी, आप आइए आइए, खुशी तो किसी बात की नहीं है, फिर भी खुश रह लेती हूँ। आप बताइए कैसे आना हुआ। अरे आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ, आपकी तलाश खत्म हुई, अनिल बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। देखिए फोटो, इस लड़की का नाम दिव्या है, बहुत बड़े घर की बेटी है, लेकिन इनको एक आम से घर का लड़का चाहिए जिनके परिवार में ज्यादा लोग ना हो, क्योंकि लड़की काम करने में थोड़ी आलसी है। अरे पंडित जी, अब इतने बड़े घर की बेटी है तो काम करने की आदत कहाँ से होगी, और रही बात छोटे परिवार की, तो इस घर में मेरे और मेरे बेटे अनिल के अलावा और कोई है ही नहीं, इसलिए आप तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। वैसे इनके में दहेज देने का रिवाज है क्या। दहेज का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, अपनी बेटी की सुख सुविधा के लिए सब कुछ देंगे। चलिए मैं चलता हूँ, रिश्ते की बात आगे बढ़ाकर बताऊंगा आपको। पंडित जी रिश्ते की बात आगे बढ़ाते हैं और कुछ ही दिनों बाद सुषमा अपने बेटे अनिल के साथ दिव्या के घर उसे देखने जाती है और रिश्ता पक्का करके आ जाती है। अब दोनों के घरों में शादी की तैयारी धूमधाम से चलती है। एक महीने बाद दिव्या सुषमा की बहू बनकर उसके घर आती है, लेकिन दिव्या अकेली नहीं आती, बल्कि उसके साथ एक और आदमी आता है, जिसको दिव्या के साथ खड़े देखकर सुषमा बोलती है, बहू ये कौन है जो तेरे इतना करीब खड़ा है, अपने भाई को भी साथ ले आई है क्या पग फेरे की रस्म के लिए। अरे नहीं नहीं सासू माँ, ये अब क्या कह रही हैं? मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, ये तो मेरा नौकर है, मेरा पर्सनल नौकर राजन। मेरे पापा ने इसको मेरे दहेज में भेजा है ताकि मुझे यहाँ कोई परेशानी ना हो, सुषमा मन ही मन सोचती है। अच्छा ये सही है, वैसे भी इस आलसी बहू की वजह से घर का काम मुझे ही करना पड़ता, अब कम से कम ये नौकर है तो ये करेगा घर के काम और मैं करूँगी आराम। अब आपने अपने मन में ख्याली पुलाव बना लिए हो तो सासूमा मैं अंदर आ जाऊँ। हाँ हाँ बहू, इस कलश को पैर मार कर अंदर आ जाओ। राजन मेरे बदले इस कलश पर पैर मार दो ना, मैं मारूंगी तो मेरे पैर में चोट लग सकती है। अरे ये रस्म तो बहू को करनी पड़ती है ना, तो तुम्हारा ये नौकर क्यों गिराएगा कलश। ये मेरा हर छोटा बड़ा काम करता है, मुझे एक उंगली तक हिलाने नहीं देता, तो इस कलश को गिराने के लिए मैं अपने पैरों को कष्ट क्यों दूं, जब मेरा नौकर मेरे साथ है। राजन तुम गिराओ ये कलश। राजन पैर मारकर कलश गिरा देता है और दिव्या के साथ गृह प्रवेश करता है। लेकिन बात इतने में ही खत्म नहीं होती। सभी रस्मों के बाद जब अनिल अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि राजन कमरे के फर्श पर अपना बिस्तर लगा रहा है। ये देखकर अनिल बोलता है, ये क्या है दिव्या, ये यहाँ क्या कर रहा है, तुम्हारा ये दहेज में आया नौकर कहीं पागल तो नहीं हो गया है। क्या कर रहा है, ये क्या होता है, आप देख नहीं रहे, ये अपना बिस्तर लगा रहा है, अब हमारे साथ बेड पर तो नहीं सोएगा ना। वैसे अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं बेड पर भी सो सकता हूँ। चुब्बे ये क्या है, तुझे सोना ही है तो जाकर रसोई या फिर हॉल में सो, ये मेरा कमरा है, कोई धर्मशाला नहीं। अरे तू ये बेचारा रसोई में सोएगा, बिल्कुल नहीं, मेरे घर में भी ये मेरे कमरे में ही सोता था, यहाँ भी यही सोएगा। क्या मतलब ये तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सोता था। मेरे कहने का मतलब है कि ये नीचे सोता था, अब गुस्सा मत करिए और सो जाइए। मन तो कर रहा है बाहर चला जाऊं, लेकिन इसको यहाँ अकेला छोड़कर बाहर सो भी नहीं सकता हूँ। हे भगवान, दहेज प्रथा बंद हो जानी चाहिए, ना तो दहेज में पैसा आएगा और ना ही ऐसा नौकर। अनिल अपनी बीवी के दहेज में आए हुए नौकर से पहले ही दिन परेशान हो चुका था। अगली सुबह जब सुषमा अपनी बहू को उठाने आती है तो कमरे का दरवाजा राजन खोलता है। ये देखकर सुषमा हैरान होते हुए कहती है, तू यहाँ क्या कर रहा है रे। माँ जी हम तो यहीं सोए थे, वो क्या है ना, हम हमेशा से मालकिन के कमरे में ही सोते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ भी मुझे अपने कमरे में सुला लिया। हाय हाय नास पीटी, मेरा बेटा कहाँ फेंक दिया तुमने। सुषमा राजन को साइड हटाकर अंदर जाती है तो वहाँ उसका बेटा बहू बिस्तर पर सोए होते हैं। ये देखकर वो बोलती है,
शुक्र है बिस्तर पर तो मेरा बेटा ही है। खैर अब इसे उठा देती हूँ, पहले रसोई की रस्म करनी है। बहू उठ जा जल्दी, 9 बज गए हैं, जल्दी उठ पहले रसोई की रस्म करनी है। माँ जी जाइए ना, आप मैं आ जाऊंगी। राजन बाहर करो इनको। मालकिन ने बोला है, आप बाहर चली जाइए, जाइए जाइए चलिए। अरे हट, जा रही हूँ, धक्का क्यों देता है। बहू जल्दी आ जाइयो नीचे। सुषमा बेचारी को बहू का दहेज में आया नौकर धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल देता है। कुछ देर में दिव्या नहा धोकर नीचे आती है और सोफे पर बैठ जाती है। ये देखकर सुषमा कहती है, बहू तुझे बैठने के लिए नहीं बुलाया, जाकर पहले रसोई की रसम कर और कुछ मीठा बना कर ले आ। माँ जी राजन हलवा बना रहा है, आप चिंता मत करिए। अरे बहू रसम तेरी है, राजन की नहीं। बाप ने नौकर क्या भेज दिया, तू तो अपनी नाक भी उसी से पुछवाएगी। छी माँ जी कैसी गंदी बातें करती हो, मैंने तो पहले ही बुलवाया था पंडित जी से कि मैं कोई काम नहीं करती, इसलिए दहेज में नौकर लेकर आई हूँ, मेरे हिस्से के सारे काम वही करेगा। सुषमा अपनी बहू और उसके दहेज में आए नौकर से बहुत परेशान थी, लेकिन अब इस घर में यही चलता था। दिव्या के सारे काम राजन करता, हद तो तब हो गई जब मुंह दिखाई की रस्म में घूंघट के नीचे राजन का चेहरा देख सुषमा की पड़ोसन गौरी कहती है, हाय हाय सुषमा बहन, तुमने अपने बेटे की शादी लड़के के साथ करवा दी। अरे माना कि अब ये कानून बन चुका है, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम्हारा बेटा इस कानून को इतना सीरियस ले लेगा। ये क्या कह रही हो गौरी बहन, मेरी बहू एक लड़की है, लड़का नहीं। तो ये घूंघट के नीचे कौन है, तुम्हारी दाढ़ी वाली बहू? हटो देखूं तो जरा। सुषमा घूंघट उठाती है और हैरान हो जाती है। हाय राम, राजन तू, तेरी वो मालकिन कहाँ है, दिव्या कहाँ है? वो क्या है ना माँ जी, मालकिन को कुछ देर सोना था तो उन्होंने अपनी जगह मुझे मुंह दिखाई के लिए भेज दिया। माफ करना आप सब, ये बहू का दहेज में आया नौकर है। सुषमा मन ही मन सोचती है, इसको तो मैं बताती हूँ, शर्म से सर झुका दिया मेरा सबके सामने। लो जी अब तक तो दहेज में बेड सोफा पैसे आते थे, अब तो दहेज में नौकर भी आने लगे। ध्यान रखना सुषमा बहन, कहीं पोता पोती भी नौकर से ही नहीं हो जाए। इतना बोलकर गौरी और माँ के सभी मेहमान वहाँ से चले जाते हैं और ये सब देखकर अनिल गुस्से में खुद से कहता है, अब बस बहुत हुआ, अब दिव्या को सबक सिखाना पड़ेगा। शाम को जब सब खाने की टेबल पर बैठे होते हैं तो अनिल बोलता है, माँ मैं सोच रहा हूँ शादी के बाद हनीमून पर जाना तो बनता है, क्यों सही कहा ना मैंने? सुषमा मन ही मन कहती है, मैं मोहल्ले में निकलने लायक नहीं रही और तुमको हनीमून पर जाना है। सच में सही कहा आपने, आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। वैसे कहाँ जाएंगे हम? बताओ राजन कहाँ जाना है तुम्हें, वहीं चलेंगे। राजन क्यों बताएगा, मैं हूँ आपकी बीवी, मुझसे पूछो। राजन ही बताएगा क्योंकि तुम्हारे सारे काम तो वही करता है, तो हनीमून पर भी तो वही जाएगा ना। बताओ राजन कहाँ जाना है? साहब हमको तो ऑस्ट्रेलिया घूमने का बहुत मन है, वहाँ चलें। चुप हो जाओ ओए, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, नौकर है तू, और आप, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं जाऊँगी हनीमून पर आपके साथ। सुषमा मन ही मन कहती है, वाह मेरे बेटे ने क्या दिमाग लगाया है इसको लाइन पर लाने का। सही है बेटा, राजन को ले जाओ अपने साथ घुमाने के लिए। अब दिव्या के सामने अनिल और राजन एक साथ हनीमून पर जाने की प्लानिंग करते हैं, साथ ही पैकिंग वगैरह सब कर लेते हैं। और एक दिन बाद जब निकलने लगते हैं तो दिव्या रोते हुए अनिल से कहती है, प्लीज अनिल मुझे माफ कर दो, मैं समझ गई हूँ अपनी गलती, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं ही इस घर के सारे काम करूँगी, हर रस्म मैं निभाऊंगी, इस दहेज में आए नौकर को वापस घर भेज दूंगी, पर प्लीज इसको अपने साथ हनीमून पर मत लेकर जाओ। बेटा माफ कर दो उसको, समझ आ गया है कि क्या काम उसके हैं और क्या नौकर के। आप कहती हो तो ठीक है माँ, वरना मैं तो सोच रहा था हनीमून से आकर ही माफ करूं। जाओ तुम्हें माफ किया, और ये राजन के पास तुम्हारा सूटकेस है, ले लो और चलो। ये सब सुनकर दिव्या का चेहरा खुशी से खिल उठता है। आपने मुझे माफ कर दिया, थैंक यू सो मच अनिल। और माँ जी मैं हनीमून से आकर पहली रसोई की रस्म भी खुद ही करूँगी और मुंह दिखाई भी।
और राजन तुम पापा के घर चले जाओ क्योंकि अब मुझे दहेज में आई नौकर की जरूरत नहीं है। चलिए जी। अच्छा चलो। अनिल की चलाकी दिव्या को लाइन पर ले आई और अंत में दहेज में आया नौकर वहाँ पर चला गया और दोनों पति पत्नी ने खुशी खुशी अपना हनीमून मनाया। दोस्तों सबको अपना काम खुद करना चाहिए ना कि किसी और के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। और के ऊपर निर्भर रहने वाले व्यक्ति आलस से भर जाता है, इसलिए फुर्तीले बनो और अपना काम खुद करो। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।